हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस इजी रेसिपीज। आज हम अपने किचन में मेथी पुलाव बना रहे हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने 1.5 टेबल स्पून मेथी के बीज लिए हैं। इन सीड्स को हमने पानी से वॉश कर लिया है और इनको एक ग्लास में ले लिया है। अब इस ग्लास में हम पानी भर देंगे और इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे। मेथी को सोक किए हुए पूरी रात हो चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, मेथी के दाने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इसको छान लेते हैं और मेथी को पानी से अलग कर लेते हैं। मेथी को एक बोल में निकाल लेते हैं और ग्लास में जो दाने बच गए थे उनको भी हम इसमें निकाल लेते हैं। मेथी को 2 से 3 दिन के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि इसमें स्प्राउट निकल आएंगे और पानी को हम पीने के काम में ले लेते हैं। मेथी के पानी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। कुछ लोग इसको रेगुलर बेसिस पर पीते हैं, तो जो लोग रेगुलर बेसिस पर इसको पीते हैं फिर मेथी उनकी बच जाती है। तो बची हुई मेथी को फेंकने की बजाय आप उसके बहुत सारे रेसिपीज बना सकते हैं। 2 दिन फ्रिज में रखने के बाद मेथी में देखिए स्प्राउट्स निकल आए हैं। स्प्राउट निकलने से मेथी और भी ज्यादा हेल्दी हो जाती है। अब हम इस मेथी को पुलाव में यूज करेंगे। पुलाव बनाने के लिए मैंने 3/4 कप राइस लिए हैं। वजन में 150 ग्राम है। बासमती राइस से पुलाव थोड़ा खिला खिला बनता है, इसलिए मैंने बासमती राइस लिए है, लेकिन आप अपने घर में जो भी राइस यूज करते हैं वो ले सकते हैं। अब राइस को हमने एक बोल में ले लिया है और इनको 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इनमें पानी डालकर 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देते हैं। राइस को सोक किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, चावलों में से पानी हमने निकाल दिया है। पुलाव में डालने के लिए अब हमने कुछ मिक्स सब्जियां ले ली हैं। सारी सब्जियों को मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसमें मैंने 1 टमाटर, 1 स्प्रिंग अनियन, 1 छोटा टुकड़ा तीनों कलर की शिमला मिर्च का लिया है, 1 छोटा टुकड़ा गाजर और 1 छोटा टुकड़ा गोभी और ब्रोकली का लिया है, 1 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न और मटर लिए है, 1 हरी मिर्च, 1 मशरूम और 1 मैंने फ्रेंच बीन ली है। आप अपनी चॉइस की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। 1 छोटा टुकड़ा मैंने पनीर का लिया है। पनीर को भी हमने पीसेस में काट लिया है। अब हमने एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया है और उसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल दिया है। बटर को हम मेल्ट होने देते हैं। बटर मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें पनीर को डाल देते हैं और एक स्पैचुला से इसको थोड़ा सा चला देते हैं। एक तरफ से सिकने के बाद पनीर को हम पलट देते हैं और इसको दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। पनीर अच्छी तरह से सिक चुका है, अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। पनीर को हम बाद में यूज करेंगे। अब हम कढ़ाई को फिर से चढ़ा देते हैं और हीट को ऑन कर देते हैं। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम हीट को लो कर देते हैं और इसमें हम 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देते हैं। जीरा चटकने लगा है, अब हम इसमें मेथी डाल देते हैं और थोड़ी देर हम इस मेथी को भून लेते हैं। अब हम इसमें स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं। प्याज को हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्चें, 1/2 बड़ा चम्मच नमक। अब इन मसालों को हम मिक्स कर देते हैं। इसमें मैंने हल्दी का यूज नहीं किया है। अगर आप हल्दी का यूज करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। साथ साथ इसमें हम कुछ खड़े मसाले भी डाल देते हैं। 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 स्टार अनीस, 7-8 काली मिर्चें और 2 लौंग डाल देते हैं। अब हम सारे मसालों को मिक्स कर देते हैं। खड़े मसाले आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इनको डालने से पुलाव में एक बहुत बढ़िया अरोमा आता है। अब हम पुलाव में सारी कट की हुई वेजिटेबल्स डाल देते हैं। सारी वेजिटेबल्स को एक बार स्पैचुला से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें राइस ऐड कर देते हैं। राइस को वेजिटेबल्स और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि मसाला राइस के अंदर तक चला जाए। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। जितना हमने राइस लिया है उसका डबल हम पानी डालेंगे। बर्तन में जितने हमने राइस भरे थे उतना ही भर के 2 बार पानी डालेंगे।
अब हम हीट को थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको लिड से कवर कर देते हैं और बॉईल आने का इंतज़ार करते हैं। राइस में बॉईल आ चुका है, आप देख सकते हैं। इनको एक बार ही मिक्स कर देते हैं, गैस की हीट को स्लो कर देते हैं, इनको लिड से कवर कर देते हैं और स्लो हीट पर 10 मिनट के लिए इनको पकने देते हैं। पुलाव को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। एक बार इस स्पैचुला से इनको मिक्स कर देते हैं। अभी राइस में थोड़ा सा पानी बचा है, इसलिए हम इनको लिड से कवर कर देते हैं और स्लो हीट पर 2-3 मिनट के लिए और पकने देते हैं। राइस को पकते हुए 2 मिनट और हो चुके हैं, अब हम लिड को हटाकर चेक कर लेते हैं। इस स्पैचुला से एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, पानी पूरी तरह से सूख चुका है। हमारा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस की हीट को ऑफ कर देते हैं। चावल का एक दाना हम हाथ से दबाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चावल पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। अभी हम इसको लिड से कवर कर देते हैं, कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। और ऊपर से थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन और पनीर से गार्निश कर देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।